जून को एक बैठक हुई थी जिसमें ममता बनर्जी ने दो नाम का प्रस्ताव रखा था जी। अब प्रेजिडेंट इलेक्शन 2022 के लिए ममता बनर्जी ने दो नाम के प्रस्ताव रखे थे। आपको बता दें तो फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का ये दो नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा था। और वहीं पे फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी घोषणा की है, उन्होंने बताया कि संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में विचार के लिए अपना नाम सम्मान पूर्वक वापिस लेने की घोषणा की है। जी बिल्कुल, उन्होंने अपना नाम जो है वो वापिस लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो अपना नाम वापिस लेते हैं। वहीं उसी किसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के नाजुक हालात गुजर रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की जनता को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए वो अपना नाम वापिस ले रहे हैं। आपको बता दें तो इस बैठक में कांग्रेस समेत सारा दलों के नेता जो है वो इस बैठक में शामिल थे जी बिल्कुल। और वहीं पे फारूक अब्दुल्ला का ये बयान जो है वो सामने आ रहा है कि उन्होंने इस इलेक्शन से अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है।